अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये जो आप केस देख रहे हैं, बकरी बरसात में भीगने की वजह से उसका टेम्परेचर डाउन आ गया है और खाना पीना उसने बिल्कुल बंद कर दिया है साथियों, और अगले हिस्से से और पिछले हिस्से से कहीं कहीं इसको कंपन भी पैदा हो रहा है और साथ में रुआ भी फाड़ रही है और इसके जो चेहरा मोहरा है बिल्कुल डाउन हो चुका है। तो इस कंडीशन में अगर कोई जानवर बरसात में भीग जाता है या ठंड मारना है तो हमें कैसे इसको ट्रीट करना है, तो जानेंगे इस वीडियो में, वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले हम इसका टेम्परेचर ले रहे हैं। टेम्परेचर में जो हमने इसको पता करा तो इसका जो टेम्परेचर है वो 97 आ रहा है, यानी टेम्परेचर डाउन होने की वजह से सिम्टम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो 97 साथियों, बकरियों का नॉर्मल टेम्परेचर 102 होता है। तो सबसे पहले हमने इसमें इंजेक्शन का जो यूज़ करा है वो है मोनोसेफ, जो 500 mg का आता है, जो अच्छा एंटीबायोटिक होता है। तो मोनोसेफ हमने 2 ml के डिस्टिल वाटर को घोल कर तब हमने इसको 2 ml इंटरमस्कुलर मोनोसेफ लगाया है। और दूसरा इंजेक्शन है साथियों, वो हमने इसको जो दिया है वो है एबिल, जिसमें क्लोरोफेनिरेमाइन मैल्यूट होता है, जो सभी प्रकार के संक्रमण को रोकने में बहुत अच्छा रोल निभाता है, जो नज़ला खांसी वायरल इन्फेक्शन को रोकता है। तीसरा इंजेक्शन है साथियों, मेलोक्सिकैम पैरासीटामोल, जो हम इसको लगा रहे हैं बैग में देख रहे हैं। मेलोक्सिकैम पैरासीटामोल साथियों एंटी पायरेटिक इंजेक्शन होता है, जो दर्द सूजन बुखार के लिए काम करता है। ये आपको ज़रूर लगाना है क्योंकि बुखार में पैरोक्सिकैम पैरासीटामोल अच्छा काम करता है और पशु जल्दी ठीक हो जाता है। तो इस तरह से आप इलाज कर सकते हैं। अगर बकरा या बकरी जानवर ज़्यादा ठंड मानना है तो अगर आपके पास मोनोसेफ नहीं है तो आप ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन का भी यूज़ करते हैं, जिसका नाम है टेरामाइसिन। टेरामाइसिन बॉडी वेट के हिसाब से आप लगा सकते हैं। और टेरामाइसिन साथियों प्रेग्नेंट बकरी को थोड़ा कम लगाएं, अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क कर लें, क्योंकि टेरामाइसिन हेजिटेशन करता है, घबराहट पैदा करता है, जिससे बच्चा बेचैन हो जाता है। अगर ज़्यादा कंपन है तो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी बॉडी स्पेक्ट्रम होता है जो सभी प्रकार के संक्रमण को रोकता है। तो ऐसी समस्या आपके फार्म में कहीं पर भी क्रिएट हो रही है तो समझ लीजिए बकरी या बकरा ठंड मारना है, या कोई और प्रॉब्लम है तो साथियों घातक बीमारी का शिकार होता है। अगर जानवर कांपता है तो सीरियस कंडीशन में आती है। अगर आपका डायग्नोसिस अच्छा है, पहचान सकते हैं कि बकरी को ये